फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को मेरा डेली यूज़ पायल का क्लीनिंग दिखा रही हूँ, जो डेली यूज़ हम पायल जो पहनते हैं, कभी कभी 1 महीने या 15 दिन में भी कभी कभी ये डस्ट और मेल लग जाता है। बीच बीच में हमको क्लीन करना चाहिए, नहीं तो पैरों में भी कभी कभी इचिंग होता है, जो पायल के वजह से जो डस्ट है, पायल के मेल है, उसकी वजह से भी इचिंग होता है। मैं आज क्लीन कर रही थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की। मैं थोड़ा जो पायल को एक कटोरी में लेके यहाँ पे इंडक्शन के ऊपर उबाल दे रही हूँ। मैं भीम जो डिश वॉश लिक्विड आता है, हर घर में होता है, आप कौन सा भी ले सकते हैं डिश वॉश लिक्विड। मैं जैसे साफ करती हूँ ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 चम्मच के आसपास ये डिश वॉश लिक्विड देके एक दो उबाल दे दी हूँ। आप चाहें तो थोड़ा गैस में उबालें तो मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक मैक्सिमम उबाल दे देने से देखिए मेल कितना निकल चुका है और ये जो पानी था मैल हो गया है। और ये पायल से देखिए कितना साफ हो गया है, पायल से मैल निकल के पानी मेल हो गया है। पानी हम फेंक के इस पायल को अभी साफ कर लेंगे। थोड़ा ये गुनगुना टाइम में हम साफ करेंगे तो जो अंदर मेल लगा है वो निकल जाता है। मैं फिर से जो बीम बार है, जो साबुन आता है, उसको लगा के जो डिश वॉश साबुन जो बीम बार, उसको थोड़ा हाथों में लेके ब्रश में, जो पुराना टूथब्रश है उसमें थोड़ा घिस घिस के इस तरह साफ कर रही हूँ, ताकि जो चिकना मैल और थोड़ा जो अंदर में लगा होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। इस तरह आप भी कर सकते हैं, और आप भी और कोई तरीका से साफ करते होंगे। मैं जैसे साफ की हूँ ऐसे ही आप लोगों को दिखाई हूँ। देखिए कितना साफ हो गया। हमको बीच बीच में 1 महीने में भी इस तरह साफ कर लेना चाहिए। इस पायल को साफ करने के बाद जो चिमटा में यूज़ की थी उसको भी साफ कर रही हूँ, और सिंक एरिया को साफ करके मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज सैटरडे है, टाइम 11 हो गया है, क्रॉस कर चुका है 11। 11:30 को स्कूल में, बच्चों का स्कूल में मुझे जाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो हो रहा है पर फाइनल एग्जाम के लिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए बुलाया है। इस साल इस तरह मीटिंग नहीं हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग हो रहा था, तो आज मैं जाने के लिए थोड़ा तैयारी में हूँ। तो आके मैं जो जो प्लान की हूँ काम करूँगी, उसके थोड़ा थोड़ा क्लिप्स जो उसका लूंगी वो ये ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करूंगी। तो ब्लॉग को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आगे आप लोगों को मेरा जैसा काम है अच्छे से ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं। प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं बच्चों का स्कूल में अभी जाऊंगी, स्कूल को आके आप लोगों को मेरा काम भी दिखाऊंगी। अभी मैं दिखा रही हूँ स्कूल के लिए, यहाँ पे मैं निकल रही हूँ। और ये जो छोटी बच्ची आप देखेंगे, ये पड़ोस की बेटी है, मेरे पीछे भाग रही थी, तो मैं उसको भुला के स्कूल के लिए जा रही हूँ। स्कूल से वापस आके फिर से आप लोगों के साथ मैं बातचीत करूँगी। इतना तेज धूप, अंदर ठंड है, बाहर पूरा तेज धूप है, मुझे गर्मी पसीना पसीना हो रहा है। चल फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ और बाहर ज्यादा धूप है, गर्मी भी ज्यादा लग रहा है। ठंड का मौसम नहीं गया है, फिर भी गर्मी लग रहा है, बाहर तेज धूप भी है। मैं मेरा पेरेंट्स मीटिंग का जो काम, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, वो हो गया है, अभी मैं काम में लगूंगी। और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स, और ये तो मामा बाहर जाए और ना लाए ये तो हो नहीं सकता, तो हो गया है उनका थोड़ा थोड़ा स्नैक्स आइटम, और मैं काम में लगूंगी।
आप लोगों को दिखा रही हूँ। बच्चों के लिए मास्क और ये सब हमको दिए हैं ताकि गवर्नमेंट डिसीजन ले रहे हैं बच्चे स्कूल में जाए, फाइनल एग्जाम स्कूल में हो उसके लिए तैयारी भी होगा। बच्चों को हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे तो आगे क्या होता है, जैसा गवर्नमेंट डिसीजन जैसा लेगा वो स्कूल भी इस तरह से हमको नोटिस भेजेगा, तो ऐसे ही हम भी प्रिपेयर हो रहे हैं। आगे आइए मेरा रूटीन शुरू करते हैं। जो जो चीज़ मैं स्कूल से लाई थी, स्कूल मैगजीन और मास्क ये सब बेड के ऊपर फैला के पड़ा है, उसको भी थोड़ा मैं साफ सफाई करने से पहले अभी मैं दिखा रही हूँ। ये जो मनी प्लांट हमारे जो एंट्रेंस में था लंबा सा एक गमले में, उसको मैं अंदर लाऊंगी क्योंकि तेज धूप के वजह से कुछ कुछ पत्ता उसका येलोइश होके निकल गया है और पौधा भी थोड़ा ग्रो नहीं कर रहा है अच्छे से, और धूप आप देख सकते हैं तेज धूप इस पौधे में, मनी प्लांट की जो पौधा है उसके ऊपर ज़्यादा धूप लग रहा है। तो विंटर था तो इसलिए मैं यहाँ पे रखी थी, अच्छा भी लग रहा था, पर ये समर सीजन में थोड़ा अंदर रख लूँ तो अच्छा होगा, इसीलिए मैं अंदर ला के प्लानिंग कर रही हूँ ताकि जो थोड़ा लंबा हो गया है जो ग्रोथ उसका, उसको ऊपर तक मैं एक डोरी में बांध के ले जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए ये प्लानिंग की थी आज मैं ये काम करने के लिए। अभी देख रही हूँ किस तरह मुझे ऊपर तक लेना है, इसी तरह देखिए मैं ऊपर तक ले रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, पर बीच में थोड़ा पत्ता खराब हो गया है, थोड़ा खाली खाली उस जगह में बाद में दिखाऊंगी। ऊपर तक अच्छा है, अच्छा ग्रो किया है, मैं इस तरह एक डोरी में ऊपर तक ले गई हूँ, और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो मैं इस डोरी को निकाल के और लंबा डोरी खींच लूँगी ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए। इस तरह हो गया है, अच्छा लग रहा है ऊपर तक, पर नीचे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इस तरह खाली दिख रहा है, खाली खाली लग रहा है हमको, तो पत्ता आ जाए तो ऊपर तक जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर तक आ जाए तो अच्छा लगेगा, इसलिए एक डंडी भी रखी हूँ ताकि ऊपर तक अच्छे से ग्रो हो जाए। ऐसे ही इस पॉट को आज मैं रखी हूँ और थोड़ा कलर करने से वो पॉट अच्छा लगेगा, बाद में देखूँगी, अभी इतना काम उसका हो गया है और बाहर भी मनी प्लांट है, थोड़ा थोड़ा करके मैं काम करूँगी। इस पार्ट का थोड़ा दिखा रही हूँ, इस तरह लुक्स है जो एंट्रेंस आंगन की तरफ जो एंट्रेंस है इस तरह मैंने सजाई हूँ। जो क्लॉथ स्टैंड है उसको भी मैं अंदर रख लूँगी, और बेड के ऊपर जो फैला पड़ा था जो बेटा उसका जो स्नैक्स आइटम जो लाई थी उसको थोड़ा खा के चला गया है, और मेरा जो पार्ट है बेड को साफ करना, और इस तरह मैंने सुबह को थोड़ा ये जो ब्लैंकेट है, अभी ठंड ज़्यादा नहीं है फिर भी ब्लैंकेट साफ नहीं हुआ है, बेड के ऊपर ऐसे ही रख रही हूँ, थोड़ा फोल्डिंग भी अच्छे से नहीं की थी सुबह जल्दबाजी में, तो इस तरह बेड को भी साफ करके मैं लंच प्रिपरेशन मेरा हो गया है, हमारा जो भेज वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अभी मैं दिखा रही हूँ बच्चे, बच्चे क्या बेटा बोला, थोड़ा तड़का खाने के लिए मैं चना दाल को भिगो के गई थी, आके मैं हल्दी नमक दे के यहाँ पे चना दाल को दो तीन हुईसिल दे दूँगी प्रेशर कुकर में, एक बड़ा प्याज को टुकड़े में कटिंग करके मैं उबालने के वक्त देती हूँ ताकि तड़का जो बनता है चना दाल का तड़का वो टेस्टी होता है, फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं भेज वाला पार्ट भी ऐसे ही बनाती हूँ, पर बाद में तो जो नॉन वेज खाते हैं अंडा वाला तड़का देते हैं वो अंडा डालते हैं, पर भेज में भी आप जब ये चना दाल की तड़का बनाएंगे तो उबालने के वक्त एक प्याज दे देंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है, और प्याज लहसुन और थोड़ा अदरक को मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस के रखी थी मसाला, मैं ज़्यादा तेल मस्टर्ड ऑयल यूज़ की हूँ, 4 बड़े चम्मच के आसपास तेल डाली हूँ, और चना दाल मेरा साइड में उबल चुका है,
एक बड़ा साइज टमाटो को मैं इस तरह टुकड़े में कटिंग की हूँ, आप चाहें टमाटो भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से मैं भूनूंगी, मसाला जैसे भूनते हैं ऐसे अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा नमक मैं मिलाई हूँ क्योंकि ये नमक मिलाने से मसाले जितना क्वांटिटी है उसके अंदाज से मैं नमक हल्दी ऐड की हूँ, क्योंकि मैं जो चना दाल उबालने के लिए रखी थी उसी वक्त नमक हल्दी भी मिलाई हूँ। और नमक डाल देने से क्या होता है, जल्दी मसाला फ्राई हो जाता है और टमाटो भी अच्छे से गल जाता है। और ये जो करी पाउडर दिखाई आप लोगों को, एक बड़े चम्मच के आसपास मैंने मिला चुकी हूँ। आप चाहें जो तड़का मसाला आता है, मेरे पास नहीं था तड़का मसाला, भी एक छोटा चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। और कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने ऐड की हूँ मसाला जो भूनने के वक्त, तो ये भी अच्छा लगता है तड़का में। तो ऐसे ही जैसे मसाला भूनते हैं तेल छोड़ने तक, मैं मसाला को अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। और जो ज़्यादा तेल में ऐड की थी, क्योंकि एक ही टाइम में मैं अंडा भी इसी में ऐड करूँगी, अंडा वाला तड़का बनाऊँगी, क्योंकि हमारा लंच सुबह को भेज वाला हो गया है प्रिपरेशन। ये जो अंडा तड़का वाला जो है, इसी जो तेल ज़्यादा तेल था मसाला को भुनने के बाद साइड करके मैं 6 अंडे थे मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ऐसे साइड करके डाल के अच्छे से मैं उसको भी एक जो अंडा भुर्जी बनाते हैं इस तरह थोड़ा सा मैं हिला के ये भुर्जी साइड में बना लूँगी। इस तरह अंडा तड़का बनाने से भी बच्चे बोलते हैं अच्छा लगता है। कई लोग अच्छे इस तरह नहीं बना के और कई तरह अच्छे से बनाते होंगे। मैं जिस तरह मुझे आता है, मैं थोड़ा नॉनवेज देख देख के सीख सीख के बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा घर में भेज होता है, बेटा और बेटी नॉनवेज खाते हैं। अभी तो घर में बन रहा है, क्योंकि जब से बाहर से लाना बंद हो गया घर में बनता है। मैं जो थोड़ा थोड़ा देख के सीख के नॉनवेज उनके लिए बना रही हूँ, तो ऐसे ही मैंने बनाई थी। बच्चे भी बोले अच्छा लग रहा था। इस तरह जब अच्छे से अंडा भी भून गया मसाले के साथ, मैं जो चना दाल को उबाल के रखी थी उसको भी ऐड कर चुकी हूँ। मैं लंच और डिनर दोनों टाइम खाने के लिए बच्चों के लिए बना रही हूँ। और एक जो मसाला मैजिक आता है पाउच मैगी का, उसको भी एक पाउच डाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास तड़का मसाला नहीं था, फ्लेवर थोड़ा चटपटा हो, इसीलिए ये पाउच डाल के मैंने ये बनाई हूँ चना दाल और अंडा वाला तड़का। और साथ में रोटी बनेगा, चावल ऑलरेडी बन चुका है लंच में, पर ये रोटी के साथ अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे बोले रोटी बनाने के लिए। और ऊपर से मैंने ये जो हरी मिर्च थोड़ा पक गया था और ग्रीन वाला मैं ऊपर से डाली हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इस तरह थोड़ा खा लें तो अच्छा होगा, इसलिए ऊपर से डाली हूँ। हरा धनिया भी मैं अभी डाल दूँगी, थोड़ा एक दो उबाल दे दे के मैं गैस की फ्लेम ऑफ करके हरा धनिया ऐड कर चुकी हूँ। देखिए अच्छा भी बन चुका है और दिख भी रहा है अच्छा। आप चाहें भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे बच्चे बोल रहे थे अच्छा लग रहा था। आप कैसे बनाते होंगे मुझे भी बताइए, मैं भी सीख लूँगी नॉनवेज थोड़ा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रोटी तो जानते हैं आप लोग बनाते होंगे, और मैं इस तरह थोड़ा रोटी भी बच्चों के लिए बनाई थी। मेरा वेज पार्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, ये जो नॉनवेज पार्ट था बाद में बना, इसीलिए मुझे पॉसिबल हो सका क्लिप्स लेने में, क्योंकि सुबह को जल्दी क्लिप्स में नहीं ले पाती हूँ, बिजी रहती हूँ, थोड़ा जल्दबाज में काम होता है। रोटी और ये जो चना दाल और अंडे की तड़का, ये इस तरह मेरा ये जो बच्चों के लिए नॉनवेज वाला लंच था, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर की हूँ। ये ब्लॉग को मैं इसी तक रखूँगी, बाद में आप लोगों को मैं अच्छा सा ब्लॉग और अच्छा कोई रेसिपी मेरे मैं बनाऊं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।